नमस्कार, योग निरोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। लोकसभा टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आज बात निम्न रक्तचाप यानी कि लो बीपी की, एक ऐसी समस्या जो अमूमन असमय जो जीवन शैली है, जो तनाव की जो स्थिति होती है उसकी वजह से लो बीपी की समस्या, निम्न रक्तचाप की समस्या यहाँ पर होती है। तो योग निरोग में आज बातचीत निम्न रक्तचाप पर। निम्न रक्तचाप की समस्या और उसके समाधान के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं देशराज गुप्ता जी। आप भारतीय योग संस्थान के महामंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत देशराज जी। नमस्कार। निम्न रक्तचाप, सबसे पहले हम ये समझें दर्शकों के लिहाज से भी कि रोग क्या है, ये क्या है, किस किन कारणों से ये होता है, ये तो जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये समझें कि ये है क्या। पराक्रम जी, ये रक्त भ्रमण प्रणाली का रोग कहलाता है। जब हृदय रक्त को रक्त धमनियों में धकेलता है, धकेलने पर धमनियों की भीतर की दीवारों पर एक विशेष दबाव बनता है, उस दबाव को रक्तचाप का नाम दिया जाता है। जब यह ऊपर का 120 और नीचे का 80, अर्थात जब हृदय रक्त को धकेलता है तो जोर ज़्यादा लगता है, उसे सिस्टोलिक, और जब हृदय आराम करता है तो दबाव कम हो जाता है, जिसे डायस्टोलिक कहा जाता है। 120 और 80 ये सामान्य माना जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और अगर ये कम हो करके ऊपर वाला 90 और नीचे वाला 60 mmHg हो जाए या उससे भी कम हो जाए तो ये निम्न रक्तचाप की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है। और यह कई बार तो बहुत घातक और जानलेवा भी साबित हो सकता है, इसलिए समय रहते इसका इलाज अगर मेडिकली भी कई बार एकदम जरूरत पड़ती है तो ठीक है। अगर परमानेंट कोई लो बीपी का पेशेंट है और वो योग की शरण में आता है तो जिन कारणों से उनका लो बीपी रहता है, चाहे वो उनके ऑर्गन सिस्टम कमजोर हैं जी, या उनका भोजन गड़बड़ा गया है, तो उनको हम योग के अंदर थोड़ा सुधार करके उसे इस बीमारी से बाहर निकाला जा सकता है। दिशा जी, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप, ऐसे तो ये दोनों ही समस्या बहुत गंभीर हैं। लेकिन बताया, जैसा कि आपने भी अभी बताया कि जो निम्न रक्तचाप है वो बहुत ज़्यादा गंभीर रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है लो बीपी की जो हम बात करते हैं, तो इसके लक्षण और कारण वो क्या है? हाथ पैर ठंडे हो जाना, हाथ पैरों में पसीना छूटना, थकावट होना, शरीर की कार्य क्षमता गिर जाना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना जी, चक्कर आ जाना, बेहोशी आ जाना, ये कुछ ऐसे लक्षण जो है ना लो बीपी के आते हैं। और जहाँ तक इसके कारणों का सवाल है कि लो बीपी होता क्यों है, अगर शरीर के कुछ ऐसे अवयव जो कि इसके मेंटेन करने में भी हमारी मदद करते हैं, लीवर है, स्प्लीन है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, अगर इनमें कोई देर तक विकार रहता है तो लो बीपी की शिकायत हो सकती है। अगर हृदय का कोई वाल्व वगैरह कमज़ोर हो तो भी ये शिकायत हो सकती है। अगर किसी कारण से पानी की शरीर में कमी हो जाए, जैसे उल्टियां ज़्यादा लग जाना, दस्त ज़्यादा लग जाना, या कोई दुर्घटना हो जाना, दुर्घटना से हमारा भी प्राय यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ और ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, इंटरनल हो या बाहर की हो, लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा होने से भी लो बीपी हो सकता है। अतिरिक्त इसके कोई आप चिंता में ज़्यादा रहते हो, कोई आघात पहुँच गया आपको, कोई अंदर ही अंदर भय खा रहा है आपको, तनाव चिंतन भय खा रहा है आपको, तो भी आप लो बीपी में जा सकते हैं। कई बार आपने देखा हो कि जो माताएँ हैं, जो महिलाएँ हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान जब वो गर्भ धारण करती हैं तो उस समय शरीर को रक्त की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, दो जान साथ में हैं, तो जिसकी कारण कई बार वहाँ पर भी आप पाएंगे कि प्रेग्नेंट महिलाओं के अंदर यह रोग होने की संभावना होती है, जो कि बाद में प्रसव के बाद उनका रोग तो स्वतः ठीक होने की संभावना अधिक होती है, अदरवाइज बाकियों में हम ये कहेंगे कि उसका इलाज होना चाहिए। जशरा जी, अमूमन ये भी माना जाता है कि जो निम्न रक्तचाप है इसकी शिकार महिलाएं ज्यादातर होती है, क्या ऐसा है? ऐसी कोई मानसिकता है या वास्तविकता है ये कि ऐसा है? नहीं, अब आज के जमाने में ऐसा कहना थोड़ा कठिन होगा, पर इसमें ये जरूर कहेंगे कि जहाँ आप ये कहेंगे कि जहाँ थोड़ा ऐसा लगता है कि महिलाएं दबाव में रहती हैं,
अंदरी अंदर घुटती हैं जी, अपनी बात को खुल के कह नहीं सकती, अपना संघर्ष नहीं कर सकती, तो कहीं ना कहीं वहाँ एक ऐसा संभावना बनी रहती है कि ऐसी महिलाएं लो बीपी का शिकार बन सकती हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर चिंता करने लगती हैं, भय में रहती हैं वो, तो वहाँ ये बीमारी हो सकती है। पर इसे हम मेल फीमेल में ना बांटें, लो बीपी की बीमारी किसी को भी हो सकती है। बिल्कुल, और निम्न रक्तचाप की समस्या एक संवेदनशील समस्या ज़रूर है, लेकिन योग के माध्यम से इसका स्थिर और स्थायी समाधान भी संभव है। जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं और जो निम्न रक्तचाप जैसी समस्या के शिकार होते हैं, उनके समाधान के लिए यहाँ पर हम विमर्श कर रहे हैं, और अब हम दर्शकों को बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से आसन हैं जिनके माध्यम से आप निम्न रक्तचाप यानी लो बीपी की समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो एक नज़र डालते हैं आसनों पर। देशराज जी, ऐसे कौन कौन से आसन जिनके जरिए हमारे सभी दर्शक उनको अपना करके उस योग को अपना करके निम्न रक्तचाप जैसे समस्या से समाधान पा सकते हैं, क्या कहेंगे? पराक्रम जी, जब व्यक्ति लो बीपी के रोग से सफरर बना हुआ होता है, पीड़ित होता है, तो हमें ये मानना चाहिए कि उसके अंगों को, उसके अवयवों को, उसके शरीर के सिस्टम्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। और योग का काम ही एक है, हमारा मानना ये है कि जब शरीर के अंगों को रक्त पूरी मात्रा में नहीं मिलता, प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता, तो पोषण नहीं हो पाएगा जी। और जब पोषण नहीं हो पाएगा तो हम किसी न किसी रोग से पीड़ित होंगे, तो यह रक्त भ्रमण प्रणाली का रोग भी उसी से संबंधित बनता है। और आसनों में क्या होता है, रक्त का परिसंचरण बढ़िया होता है, और जिन अवयवों को रक्त भरपूर मात्रा में नहीं मिल पा रहा था वो मिलने लगता है, स्वस्थ बनने लगते हैं और व्यक्ति रोग से बाहर आने लगता है। इस रोग में हमें ऐसे आसनों का चयन करना होगा जो आसन हमें उन अवयवों को स्वस्थ करके इस रोग से बाहर निकालने में सहायक हों। कौन कौन से आसन? इसमें आज तीन विशेष करके दिखाया जाएगा, सूर्य नमस्कार, गोमुख आसन और सुप्त वज्रासन। सभी आसन बढ़िया हैं, पर ये विशेष आसन ऐसे हैं जो कि लो बीपी वाले के लिए बहुत बढ़िया हैं। ठीक है, तो एक नजर डालते हैं सूर्य नमस्कार आसन पर। सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन पर खड़े हो जाएं और यह चेक कर लें कि दो हिस्सा आसन का पीछे और एक हिस्सा आगे हो। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियों का अभ्यास करते हैं हम, जिसमें कि शरीर के सभी अंग प्रभावित होते हैं। जिन अंगों को रक्त नहीं पहुंचता था उन अंगों को भी रक्त पहुंचने लगता है, और लो बीपी वालों के लिए यह बहुत लाभकारी आसन है सूर्य नमस्कार। एड़ी मिली, पंजे खुले, बाजू शरीर के साथ सटी हुई, शरीर सीधा, नमस्कार की मुद्रा, दोनों अंगूठे की मूल जो है हृदय गुहा के साथ स्पर्श करेगी और आपकी दोनों हथेलियां स्लांटिंग पोजीशन में होंगी, कंधे सामान्य स्थिति में, कोहनी से लेकर के कलाई तक पैरेलल टू अर्थ अग्रभुजा रहेगी। पहले मंत्रो उच्चारण किया जाएगा, पहले मैं बोलूंगा, मेरे पीछे हमारे शिक्षक बोलेंगे, ओम सूर्याय नमः, दोनों बाजू ऊपर की ओर लेकर के जाएं, कानों के साथ सटा दें, हथेलियों में कंधों जितना फासला हो, गर्दन भुजा को पीछे की तरफ मोड़ दें, इसे हस्त उत्तानासन के नाम से जाना जाता है। बहुत धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से झुकें और दोनों हथेलियों को दाएं बाएं पंजों के लगा दें, माथा घुटने की ओर बढ़ जाए, पाद हस्तासन। यहां पर कम देर रुकें तो बाह्य कुंभक में, देर तक रुकें तो सामान्य श्वास कर लें। दाएं टांग को पीछे की ओर लेकर के जाएं, अधिक से अधिक कमर के निचले भाग को नीचे दबा, वक्ष स्थल को आगे की ओर खींच दें, तान दें, और गर्दन वाले भाग को पीछे की ओर स्ट्रेच करें, अश्व संचालन आसन कहलाता है। दूसरी टांग को भी पीछे लेकर के जाएं, पंजे के साथ पंजा मिल जाए, एड़ियां धरती पर टिक जाएं, थोड़ी कंठकूप में हो, पर्वतासन कहलाता है। यहां से पहले स्लांटिंग करें शरीर को, एड़ी से ठीक सर की चोटी तक एकदम सीधी रेखा में, शरीर
देखिए कितना एक्यूप्रेशर के सभी लाभ मिलते हैं, हम हथेलियों में उसके जो प्रेशर के पॉइंट मानते हैं सारे पॉइंट्स दबते हैं, आपको सारे ऑर्गन्स आपके प्रभाव में आएंगे, घुटने छाती माथा धरती पर, अष्टांग प्रणामासन, श्वास सामान्य, यहां पर हृदय को विशेष शक्ति मिलती है और लो बीपी वालों के लिए यह पोस्चर बहुत बढ़िया है। पश्चात हथेलियों पर दबाव देते हुए शरीर को आगे की ओर खिसकाएं और धड़ वाले भाग को ऊपर उठा दें, भुजंग आसन की स्थिति बन जाती है, दोनों बाजू बिल्कुल पूरी खड़ी कर दें और लंबर वाले पोर्शन को थोड़ा नीचे की ओर दबाएं और पश्चात अब धीरे धीरे धड़ को ऊपर उठाते हुए एड़ियों को धरती पर लगा दें थोड़ी कंठकूप में। बहुत बढ़िया हमारे शिक्षक करके दिखा रहे हैं। दाएं टांग को आगे लेकर के आइए, दोनों हथेलियों के मध्य टिका दें, कमरे के निचले हिस्से को नीचे दबाते हुए वक्षस्थल को आगे ताने, गर्दन को पीछे की ओर खींच दें, पश्चात बाईं टांग को भी आगे ले लें, माथा घुटने की ओर बढ़ जाएगा, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, बहुत सुंदर। अब दोनों बाजू कानों के साथ सटी रहेंगी और बहुत धीरे धीरे श्वास भरते हुए शरीर को सीधा करें, शरीर सीधा होने पर गर्दन भुजा को पीछे की ओर लेकर के जाएं, बहुत सुंदर। पश्चात नमस्कार की मुद्रा में आए, और धीरे धीरे वापिस आकर बैठकर विश्राम करें। सूर्य नमस्कार के बाद अब एक नजर डालेंगे गोमुख आसन पर। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियां घुटनों पर। गोमुख आसन के लिए दाएं टांग को मोड़ें, बाएं टांग के नीचे से निकालते हुए एड़ी के ऊपर गुदा को टिका दें, दूसरी टांग बिल्कुल सीधी, पश्चात बाएं टांग को मोड़ लें और तलवे को घुटने के ऊपर से निकालते हुए एड़ी को बाएं नितंब के साथ लगा दें, दाएं नितंब के साथ, बाई भुजा ऊपर से दाई भुजा नीचे से पीछे की ओर ले जाते हुए इंटरलॉक करें, भुजा एकदम कान के साथ सट जाए, गर्दन सीधी हो, यहां पर रुकें, श्वास को सामान्य करके। यहां पर थोरैसिक रीजन की गोटियां विशेषतः प्रभाव में आती हैं, हमारी रिब्स, फेफड़े, हृदय, लीवर, पैनक्रियाज सभी प्रभाव में आने से लो बीपी के लिए यह पोस्चर बहुत बढ़िया है। बहुत धीरे धीरे वापस आएं, दोनों टांगों को सीधा करें, इसे हम विपरीत दिशा से करके दिखाएंगे। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हथेलियां घुटनों पर, बाई टांग मोड़ें, एड़ी को गुदा के नीचे रख दें, दूसरी टांग को मोड़ें, एड़ी को नितंब के साथ लगा दें, पश्चात दाएं भुजा ऊपर से बाएं नीचे से पीछे की ओर ले जाते हुए इंटरलॉक कर दें उंगलियों को, दाएं भुजा कान के साथ सट जाएगी, श्वास सामान्य करके रुकें। इससे रक्त भ्रमण शरीर के अंदर बहुत सुंदर ढंग से होता है, रक्त भ्रमण प्रणाली बढ़िया होने से लो बीपी की शिकायत भी ठीक होगी। बहुत धीरे धीरे वापिस आए और बैठने की स्थिति में विश्राम करें। गोमुखासन के बाद सुप्त वज्रासन भी लो बीपी यानी निम्न रक्तचाप की समस्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। एक नजर डालते हैं सुप्त वज्रासन पर। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हाथ दाईं ओर रखें, बाईं ओर से टांगों को मोड़ें और पहले वज्रासन में आ जाएं। दोनों घुटने मिले हुए, ठीक दोनों एड़ियों के मध्य बैठ जाएं। अब दोनों पैरों के पंजों को दाएं बाएं ले लें इस प्रकार से कि नितंब दोनों धरती पर टिक जाएं। उंगलियां आपस में मिली हुई, अब दोनों हथेलियों से टखनों को पकड़ें एड़ियों के पास से, पहले दाहिनी कोहनी फिर बाहिनी कोहनी धरती पर टिका दें, पश्चात पूरी रीढ़ को धरती से स्पर्श कराएं, दोनों बाजू पीछे की ओर खींच दें, ताने श्वास भर करके थाइज वाले भाग पर खिंचाव आए, पेट वाले भाग पर खिंचाव आए, ताकि सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्रभाव में हों।
दोनों हथेलियों का तकिया बना दें, रुकें श्वास सामान्य करके। इसमें पूरा डाइजेशन सिस्टम, पाचन प्रणाली, निष्कासन प्रणाली और श्वसन प्रणाली पूरी तरह से प्रभाव में आती है, जिससे कि रक्त भ्रमण प्रणाली स्वतः ही ठीक होने लगती है। इसमें श्वासों को सामान्य करके देर तक रुके हम, पश्चात उसी प्रकार से दोनों टखनों को पकड़ें, कोहनियों का स्टैंड बनाएं, धड़ को ऊपर की ओर उठाएं, पश्चात वज्रासन में बैठ करके विश्राम करें। सूर्य नमस्कार, गोमुखासन और सुप्त वज्रासन, इन तीनों आसनों के माध्यम से हम योग के माध्यम से लो बीपी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। देशराज जी, अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानना है कि ऐसे कौन कौन से रोगी हैं जिनके लिए ये निषेध माना गया है। जिनको कमर दर्द की शिकायत है, आपने देखा कि सूर्य नमस्कार में पीछे भी मुड़े, आगे भी मुड़े, आगे मुड़ने वाले पोस्चर कमर दर्द वालों को नहीं करने चाहिए, उनके लिए वो हानिकारक साबित हो सकते हैं। गोमुखासन और सुप्त वज्रासन, जिनको घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत है या जिनके कार्टिलेज डैमेज हो चुके हैं, ऐसे रोगियों को ना तो गोमुखासन करना है और ना ही सुप्त वज्रासन करना है, उनको इस बात का ध्यान रखना है। बाकी है। और ऐसी कौन कौन सी जो चीजें हैं जिनका महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए, निषेध की तो बात हमने की, तो साथ ही साथ ऐसी कौन कौन सी शारीरिक अवस्थाएं हैं जिनमें उनको संभल कर रहना चाहिए? हमेशा जैसे सूर्य नमस्कार है, ये थोड़ा अग्रिम है, हमें पहले सरल आसनों का और सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर लेना चाहिए। उससे बॉडी, एक वार्मिंग ऑफ बॉडी जिसको हम कहेंगे, वो हो जाएगा, तो उससे फिर हम थोड़ा अग्रिम आसनों को आसानी से कर सकते हैं। इतना उनको अपना ध्यान रखना चाहिए। देशराज जी, क्या प्राणायाम के माध्यम से भी हम लो बीपी की समस्या का समाधान देख सकते हैं? प्राणायाम को जो संजीवनी बूटी कहा जाता है कि हर समस्या का समाधान उसमें है, क्या कहेंगे? शरीर के भीतर ऊर्जा एक ही है, जिसे प्राण ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। रक्त का भ्रमण भी रक्त नलिकाओं के अंदर तब तक नहीं हो सकता जब तक कि रक्त नलिकाओं के अंदर संकुचन और विस्तार की क्रिया ठीक प्रकार से नहीं होती जी। और जो रक्त नलिकाओं के संकुचन और विस्तार की प्रक्रिया है, वह प्राणिक शक्ति या प्राणिक ऊर्जा के ऊपर निर्भर करती है। तो हम जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो एक तो हमारा रक्त का शोधन बढ़िया बनता है, दूसरा रक्त नलिकाओं का जो संकुचन और विस्तार की क्रिया है वह बढ़िया बनती है। जब ये दोनों काम बढ़िया होंगे तो रक्त भ्रमण प्रणाली भी बढ़िया होगी और लो बीपी का रोग स्वतः ही ठीक होगा। तो लो बीपी के लिए, उसके समाधान के लिए एक नजर डालते हैं प्राणायाम पर। देशराज जी, ऐसे कौन कौन से प्राणायाम हैं जिनके जरिए हम लो बीपी की समस्या का समाधान देख सकते हैं? हमें पराक्रम जी, ऐसे प्राणायामों का चयन करना होगा जो कि प्राणिक ऊर्जा को सक्षम बनाएं और शरीर को गर्मी दें। जब हम ऐसे प्राणायामों का अभ्यास करेंगे तो लो बीपी का रोग ठीक करने में सहायता होगी। इसमें भस्त्री का प्राणायाम बहुत बढ़िया प्राणायाम है, सूर्य वेदी प्राणायाम बहुत बढ़िया प्राणायाम है, लेकिन आज एक विशेष प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम, जो कि रक्त शोधन तो ठीक करता ही करता है और लो बीपी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक विशेष बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आवृत्तियां प्रारंभ में लो बीपी का रोगी कम करें, ठीक, और बाद में धीरे धीरे आवृत्तियां बढ़ा लें। आज हमारे शिक्षक तो वैसे ही समय के अभाव में कम आवृत्तियां करके दिखाने वाले हैं, पर फिर भी हमारी ये सलाह रहेगी कि वो धीरे धीरे बढ़ाएं। तो लो बीपी की समस्या के समाधान के लिए प्राणायाम भी महत्वपूर्ण साबित है, एक नजर डालते हैं कपालभाति प्राणायाम पर। कपालभाति प्राणायाम के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर, पंजों को तान दें, पद्मासन लगाएं, दाएं टांग मोड़ें, एड़ी बाईं ओर, बाईं टांग मोड़ें, एड़ी दाईं ओर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर रीढ़ सीधी, मूल बंद लगाएं, एनस वाला भाग, बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा जिसे गुदा कहा जाता है, उसके आसपास की मांसपेशियों का संकोचन कर उसका स्राव ऊपर की तरफ कर देना मूल बंध कहलाता है। दोनों हथेलियों को पलट दें, घुटनों को पकड़ें, इससे शरीर में हिलडुल कम होगी, शक्ति ज्यादा लगेगी, प्राणायाम अधिक प्रभावकारी होगा। आंखें बंद, श्वास को भीतर भरें और पश्चात शक्ति से श्वास को बाहर फेंकना प्रारंभ करें। प्रारंभिक अवस्था में इसकी आवृत्तियां
आप 21, 31, 41 अपने सामर्थ्य अनुसार करें। पश्चात एक स्लॉट 31 या 41 या 51 का करके विश्राम करें, फिर दोबारा से शुरू हों। बीच में विश्राम अवश्य करते रहें। हाँ, धीरे धीरे श्वास को पूरा बाहर निकालें, बाह्य कुंभक की स्थिति में आएं, अर्थात नाभि का संकोचन कर लें और जालंधर बंद भी लगाएं। बाह्य कुंभक में रुकें, पश्चात नाभि का संकोचन छोड़ दें, उड़ियान बंद खोलें, श्वास को पूरा भीतर भर लें, आंतरिक कुंभक करेंगे हम, फिर तीनों बंद लगा दें। क्षमता अनुसार रुकें और बहुत धीरे धीरे क्रमानुसार बंधों को खोलते हुए श्वासों को सामान्य कर लें। मिश्रा जी, किन रोगियों के लिए यह निषेध माना गया है प्राणायाम, इस तरह का प्राणायाम? हृदय रोगी को यह प्राणायाम नहीं करना जी। जहां कुंभक की बात है, अगर किसी को हाइपरटेंशन का रोग है और अस्थमा के रोगी हैं, वह इस प्राणायाम को कम आवृत्तियों के साथ करें और अंत में कुंभक की स्थिति ना बनाए। इस समस्या के लिए भोजन, किस तरह का भोजन रोगियों को लेना चाहिए जिससे उन्हें इसकी समस्या की पुनरावृत्ति ना हो? जहां तक भोजन की बात है लो बीपी में, हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो कि रक्तचाप को मेंटेन करे। वह भोजन बाहर का तो हो नहीं सकता, डेड फूड हो नहीं सकता, जंक फूड हो नहीं सकता, डेड फूड हो नहीं सकता, ये सब डेड फूड कहलाता है। बिल्कुल, जो बाहर का मरा हुआ भोजन, इससे कोई शक्ति नहीं मिलती, इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, इनमें विटामिन नहीं है, मिनरल नहीं है, बीमारी है ये और बीमारियों को पैदा करती है। घर का बना हुआ ताजा भोजन लीजिए, साग सब्जियां लीजिए, अंकुरित भोजन लीजिए। आप जब ऐसा भोजन लेंगे तो आप पाएंगे कि आपको जल्दी इसमें आराम आएगा। ठीक है दिशरथ जी, अन्य सुझाव क्या देना चाहेंगे आप निम्न रक्तचाप के लिए? इसमें हम एक राय देंगे, सलाह देंगे अपने जो इस रोग से पीड़ित दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो 1.5 लीटर पानी ले लें, उसमें 10-12-15 पत्ते तुलसी के डालें, 5-6 लौंग डाल दें और थोड़ी सी उसके अंदर काली मिर्च डालें 5-7 जी, उसको गर्म कर लें और फिर गुनगुना वह पानी का उसका सेवन करेंगे तो उनको आराम होगा। दिन में एक बार थोड़ा अदरक और शहद मिलाकर के चाटेंगे तो इससे भी उनको आराम आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न रक्तचाप की समस्या के लिए बहुत ही एक पर्याप्त के साथ में आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक सदी हुई जीवन शैली का उपयोग करें तो आप निरोग रह सकते हैं और योग को ज़रूर अपने जीवन में जोड़ें। ये कार्यक्रम हमारे दर्शकों को कैसा लगा, इसकी जानकारी हमें तमाम सारे दर्शक पत्रों के माध्यम से और ईमेल के ज़रिए हमसे हमारे साथ साझा कर रहे हैं और हमारी ऐसी कोशिश कि लगातार ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सुझाव और उनकी समस्याओं के समाधान हम इस कार्यक्रम के ज़रिए कर सकें, ऐसा प्रयास हम करते हैं। हम आपको बता दें कि दर्शक लगातार हमसे जुड़ रहे हैं ईमेल के जरिए और पत्रों के जरिए। यदि आपकी कोई समस्या या आपका कोई सुझाव हो आप हमसे साझा करना चाहें तो इस पते पर आप हमें भेज सकते हैं, FB 116 पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस, नई दिल्ली 11001। साथ ही साथ आप हमें ईमेल कर सकते हैं yognirog.lstv@gmail.com। इस पर आप हमें अपनी समस्याएं, अपने सुझाव दे करके हमारे साथ अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं। एक दर्शक वाराणसी से, अजय कुमार सिंह हमारे दर्शक हैं, जिन्होंने सिनुसाइटिस की समस्या का समाधान हमसे मांगा है। जी से जानना चाहेंगे सिनुसाइटिस की जो समस्या है, ये समस्या क्या है और योग के माध्यम से इसका क्या समाधान है? पराक्रम जी, सिनुसाइटिस का जो रोग है वो कफ दोष कहलाता है हमारे योग के भाषा में, और आयुर्वेद में भी इसे कफ की दोष के रूप में देखा जाता है। जब गंदा श्लेष्मा, दूषित श्लेष्मा हमारे साइनसिस के भीतर फंस जाता है, उसे निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तो वहाँ संक्रमण हो जाता है जी। और संक्रमण होने से जब वहाँ हवा का दबाव बनता है तो वहाँ एक वेदना होती है जिसे साइनसाइटिस का रोग कहते हैं जी। तो जहाँ तक इसके इलाज का योग में सवाल है तो हमारा मानना ये है कि इस रोग का इलाज ही योग में है। ठीक है, जब हम कफ प्रणाली को साफ रखना सीख जाएंगे जी, कफ को संतुलित बनाना सीख जाएंगे तो इस रोग से छुटकारा मिल सकता है। जहाँ तक साइनसाइटिस की बात पर्टिकुलर इस रोग से संबंधित है, हम ये कहेंगे कि वो एक तो स्टीम लेना शुरू करें रात को सिंपल पानी की,
ताकि जो दूषित श्लेष्म है वो पिघल करके बाहर आए, मेल्ट होना शुरू हो जाए। दूसरा, रात्रि में दो दो बूंद दोनों नासिका पुट से बादाम रोगन की या सरसों के तेल की डाल लें। तीसरा, वह कपाल भाति प्राणायाम का अभ्यास दोनों टाइम 30-30, 40-40 बार करें किसी निपुण योग शिक्षक के निर्देशन में। जब उसे 15-20 दिन महीना ऐसा हो जाए तो फिर किसी योग शिक्षक से वो जल नेति और रबड़ नेति सीख ले। जिस दिन वो जल नेति और रबड़ नेति पर आ जाएगा तो हमारा ये मानना है किसी विशेष परिस्थिति को छोड़कर, बहुत एक्यूट और एक्सेप्शनल केस होगा जिसकी मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, पर भगवान पर भरोसा करके और अपने देश की संस्कृति और सभ्यता और योग पर भरोसा करते हुए कह सकता हूं कि इस बीमारी का इलाज केवल इन्हीं क्रियाओं से किया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जिस योग को आज, जिस भारतीय योग को आज विदेश में तवज्जो दी जा रही है, तो हमें भी ये समझना होगा कि जो योग हमने पूरे विश्व को दिया है उसे हमें अपना करके एक बेहतर जीवन शैली को अपनाना चाहिए। देशराज जी, इन तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद ये कार्यक्रम देखने के लिए। आज योग निरोग में हमने चर्चा की निम्न रक्तचाप यानी लो बीपी की समस्या और उससे जुड़े कारणों से, और योग के माध्यम से कौन कौन से ऐसे आसन हैं जिनके जरिए आप निम्न रक्तचाप की समस्या से समाधान पा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपके लिए निश्चित रूप से ही एक समाधान और इस समस्या का हल जरूर निकलेगा। ध्यान रखिए, योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके ये आप निरोग रह सकते हैं। योग निरोग में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।